हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे डेंसिटी कैसे किसी यूनिट सेल की, एक सिंगल सेल की निकाली जाती है। तो डेंसिटी फॉर्मूला, हाउ कैन वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। एज वी नो, एक यूनिट सेल यदि वो सिंपल प्रिमिटिव सेल की है तो उसमें एटम्स के नंबर जो है वो जेड की वैल्यू 1 होगी। फॉर सिंपल प्रिमिटिव सेल इट इज़ 1। फॉर बीसीसी इट्स वैल्यू द नंबर ऑफ एटम्स जिनसे मिलकर वो बनी है बॉडी सेंटर्ड सेल, उसके नंबर होंगे 2। और एफसीसी में यही जेड वैल्यू जो है वो 4 हो जाती है। फेस सेंटर यूनिट सेल में 4 एटम मिलकर एक यूनिट सेल को बनाते हैं। तो अब उनमें डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम जेड की वैल्यू 1, 2 या 4 यूज़ करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एंड एक एटम जो है, वन एटम कैसा होता है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। वी नो इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। किसी भी एटम की या यूनिट सेल की डेंसिटी निकालेंगे कैसे। डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें मालूम है कि डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास किसका रखना है, मास रखना है हमें मास एक यूनिट सेल का, मास ऑफ वन यूनिट सेल, एंड ऐसे ही वॉल्यूम भी वन यूनिट सेल का। मास ऑफ वन यूनिट सेल इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, ये जितने एटम से मिलकर बना है वो मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ वन एटम। एक एटम का जो मास होगा उसको मल्टीप्लाई कर दें यदि हम जेड वैल्यू से, तो वो हो जाएगा टोटल मास ऑफ वन यूनिट सेल। एंड एज यू नो, मैंने पहले ही बता दिया कि जेड की वैल्यू 1 होगी सिंपल प्रिमिटिव में, बीसीसी में 2 और एफसीसी में हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4 आती है ये। तो एक एटम का मास कैसे निकाला जाए, मास ऑफ वन एटम हम कैसे निकालेंगे। हमें मालूम है कि एक एटम का मास निकालने के लिए हमें जो है उसके मोलर मास की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मास ऑफ वन एटम विल बी इक्वल टू द मोलर मास या एटॉमिक मास, या फॉर्मूला है किसी आयनिक कंपाउंड का तो फॉर्मूला मास, इन केस जो जिस टाइप का क्रिस्टल है वो उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, तो वो डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि एक मोल में, वन मोल में हमेशा 6.023 × 10²³ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस होते हैं, और एक मोल ही किसके बराबर होता है, वन मोल इज ऑल्सो इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलर मास, एंड यदि वो आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास। तो मैंने सिर्फ जस्ट क्या किया, दोनों को रिलेट कर दिया है। वन मोल में ही इतने एटम्स मॉलिक्यूल आयन होते हैं, और वन मोल ही मास वाइज किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास, मोलर मास और फॉर्मूला मास के। तो मैंने जस्ट इन दोनों को रिलेट कर दिया है कि इतने एटम के मॉलिक्यूल के आयंस का मास जो है वो इतना होगा, एटॉमिक मास या मोलर मास के बराबर होगा। तो वन एटम या मॉलिक्यूल का मास किसके बराबर होगा, तो क्योंकि ये एवोगैड्रो नंबर है, इट इज एवोगैड्रो नंबर, तो हमने क्या किया, मास को, मोलर मास को या एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया मास ऑफ वन एटम। एंड क्योंकि एक यूनिट सेल में जेड की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है इस मास से, तो मास ऑफ वन यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन यूनिट सेल विल बी इक्वल टू जेड इंटू दिस वन मोलर मास, जिसे हम कैपिटल एम से शो कर रहे हैं, मोलर मास या एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर एन ए। तो इस टाइप से हमने एक यूनिट सेल का मास कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम
ऑफ वन यूनिट सेल, क्योंकि हमारी सब यूनिट सेल्स जो है हम क्यूबिक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यूबिक की जो एजेस हैं दे ऑल आर इक्वल टू, हमने ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो हम सपोज कर लें कि ए के ही बराबर हो गई सब, तो एज कितनी हो गई ए, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वन यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए क्यू एच इंटू एच इंटू एच, तो एच क्योंकि सब बराबर है तो ए क्यू हमने ले लिया, तो वॉल्यूम आ गया वन यूनिट सेल का ए क्यू. नाउ यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी विल बी इक्वल टू, नाउ मास जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया जेड इंटू मोलर मास अपॉन एन ए एवोगैड्रो नंबर, एंड द वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल नीचे लिया तो क्या हो गया ए क्यू. यहाँ पर बस ये डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली यूनिट सेल की. अब यहाँ पर ये बस ध्यान रखना है कन्वर्जन का यूज करना है, यदि एच हमारी ए जो है यदि वो पिकोमीटर में दी हुई है तो उसे हम सेंटीमीटर में उसके अकॉर्डिंग माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में, या फिर 10^-12 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो ऑलवेज रिमेम्बर कि यूनिट्स हमें यहाँ पर कन्वर्ट करने की, कन्वर्जन फैक्टर यूनिट यहाँ पर एच के लिए लगानी है, पिकोमीटर इंटू सेंटीमीटर या पिकोमीटर इंटू मीटर. तो इस तरह से हमने डेंसिटी कैलकुलेट की एक यूनिट सेल की, एफ सी सी बी सी सी के अकॉर्डिंग हम जेड की वैल्यू रखते जाएंगे, और उसकी उसके अकॉर्डिंग जो भी अरेंजमेंट है क्रिस्टल का एफ सी सी या बी सी सी या सिंपल यूनिट सेल का, उसकी हम वैल्यू डेंसिटी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से. नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह. पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल, अब इसका मतलब क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है बच्चों. जैसे यहाँ पर रूम में या किसी भी जगह आप कोई भी चीज़ यदि कोई मटेरियल को, सॉलिड को या लिक्विड को किसी बॉटल में किसी जार में फिल करते हो, और यदि वो पूरा नहीं भरा हुआ तो आप क्या कहते हो, उसको कहते हो या तो 50% भरा हुआ है या 3/4 भरा हुआ है, फ्रैक्शन में निकालते हैं या फिर एफिशिएंसी परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना भरा हुआ है और कितना खाली है. ऐसे एज वी नो कि यूनिट सेल में एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करते हैं, बीसीसी में वो बॉडी सेंटर में भी होते हैं, एक एटम सेंटर में भी होता है, और फेस सेंटर में वो फेसेस को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो एक एटम क्योंकि 1/8 पार्ट से कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/8 पार्ट उसका यहाँ पर इस सेल को बनाने में यूटिलाइज हो रहा है, और बीच में जहाँ पर भी वो क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में है तो हर जगह को पूरा फिल नहीं कर पाते, तो वो कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की फॉर्म में, कि एक यूनिट सेल में कितना पैकिंग एफिशिएंसी है, मीन्स उसके कितने एटम्स के स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो वो कहलाता है उसका पैकिंग एफिशिएंसी. अब क्योंकि वॉल्यूम वाइज हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी एक यूनिट सेल की किसके बराबर होगी, एक पूरे जिस एटम से ये मिलकर बना हुआ है, जो एटम्स हैं कॉर्नर्स पर या बॉडी सेंटर्ड पर उसके वॉल्यूम को ले लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको, बना रहे हैं उसको, एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो उस यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम है टोटल एज वाइज वो, एंड परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किया हमने इनटू 100. तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाली कैसे जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एटम्स जिससे बना है वो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम उस यूनिट सेल का इनटू 100. अब हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रिमिटिव सेल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगी.
अब क्योंकि एटम जो है वो स्फेरिकल है शेप में, स्फेरिकल होते हैं शेप में, तो उनका वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, एक एटम का, वन एटम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन एटम विल बी इक्वल टू 4/3 πr³, क्योंकि स्फेरिकल शेप में एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट एटम, ये रेडियस हो गया इसका, और 4/3 πr³ हमने ले लिया। अब यदि वो सिंपल प्रिमिटिव सेल है तो वो एक ही एटम से बना होगा, इट्स ओके, ठीक है 4/3 πr³ होगा। बट यदि मैं इस पैकिंग एफिशिएंसी को तीनों टाइप की सेल के लिए कैलकुलेट करूंगी तो वॉल्यूम ऑफ वन, मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ एटम्स, अब बीसीसी है तो वह 2 होगा और यदि एफसीसी है तो वह 4 होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाई जेड वैल्यू इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो मैंने उसी को सिंपल क्या किया, एक सिंपल फॉर्मूले में चेंज कर दिया, जहां पर जेड की वैल्यू मैंने ले ली, यदि सिंपल प्रिमिटिव है तो 1, बीसीसी है तो 2 और एफसीसी है तो 4 रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम मैंने सिंपल प्रिमिटिव सेल के लिए, एक एटम क्योंकि वहां पर होता है बनाता है, तो उसका स्फेरिकल का मैंने वॉल्यूम निकाला 4/3 πr³ होगा, और इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी जेड वैल्यू से इंटू जेड, और जेड क्या होता है, वन ही होता है फॉर द सिंपल प्रिमिटिव सेल, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब यहां देखिए ध्यान से, यहां पर जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं एटम के, ये मैंने सिर्फ डायग्राम से इनको डिस्टेंस पर लाइन में शो किया है, अदरवाइज एक एटम दूसरे एटम से पूरा कॉन्साइड कर रहा है, टच में है, वो रिलेट कर रहा है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि दोनों के रेडियस जब आपस में कॉन्साइड कर जाते हैं दो एटम के, तब वो एक एच बनती है साइड वाइज, एक लेंथ एक विड्थ एक हाइट बन जाएगी। एंड यहाँ यदि इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका भी रेडियस स्मॉल आर हो गया, क्योंकि सेम एटम से बने हुए हैं, तो दोनों की मिलाकर h वैल्यू कितनी हो जाएगी, h विल बी इक्वल टू 2r, तो हेयर a इज इक्वल टू 2r फॉर द सिंपल प्रिमिटिव सेल। तो टोटल वॉल्यूम a क्यूब होगा यूनिट सेल का, उसमें हमने a की वैल्यू 2r होल क्यूब रखी, एंड देन ये आ गया 8r³। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल प्रिमिटिव सेल की हो जाएगी 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रखी 22/7 r³ इंटू जेड रखा 1 अपॉन a का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, तो ये हमने निकाल लिया 8r³। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 52%, कैलकुलेट कर लिया, तो पैकिंग एफिशिएंसी एक यूनिट सेल की किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू 52%। That means 52 space उसने परसेंट ऑक्यूपाई किया हुआ है और बाकी का 48% उसका जो स्पेस है वो खाली है। तो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल प्रिमिटिव सेल। अभी हम अगली वीडियो में देखेंगे फेस सेंटर्ड की और बीसीसी बॉडी सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।